केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पैट सिटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। मेरठ हापुड़ लोकसभा सीट से बसपा प्रत्याशी देवव्रत त्यागी ने आज अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया। नामांकन के बाद देवव्रत त्यागी ने कहा कि उनका मुकाबला किसी से भी नहीं है। जहां तक बात अरुण गोविल को श्री राम के रूप में पेश करने की है, तो वह सिर्फ एक कलाकार है जिन्होंने बिस्तर जैसी फिल्मों में भी काम किया है। दशहरा पर जगह जगह रामलीलाएं होती हैं, तमाम लोग राम की भूमिका निभाते हैं। अगर ऐसा ही कोई कलाकार लेना था तो यहीं का ले लेते, मुंबई जाने की क्या जरूरत थी। देखिए क्या कहा देवव्रत त्यागी ने। देखिए मैडम, मैं किसान का बेटा हूँ और एजुकेशन के बाद में नौकरी भी की है, व्यापार भी किया। मैं सभी समस्याओं से बहुत अच्छे से वाकिफ हूँ। व्यापारी को कहाँ प्रॉब्लम होती है, जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें कहाँ कहाँ समस्या है, सब चीज़ों को जानता हूँ। और मुझे इस क्षेत्र में विशेष रूप से अपने जो नौजवान युवक हैं, बहन बेटियां हैं, उनके लिए रोजगार के लिए ढूंढना है कि उनके यहाँ रोजगार किस तरीके से जनरेट हो सकता है। आपका मुख्य मुकाबला किससे? किससे नहीं, मुकाबला नहीं है मैडम, मुकाबला किससे नहीं है। अच्छा, हम अपना काम कर रहे हैं। भाजपा आपके सामने राम के किरदार को लेके आई है रामायण, आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम ये हर बार देखिए, मैं आपसे पहले भी कह चुका हूँ, राम का चुनाव से कोई वास्ता नहीं है। राम देने वाले हैं, सृष्टि के रचयिता हैं, वो आगे क्या इलेक्शन लड़ेंगे। ये तो राम के किरदार में एक वो है, कलाकार है जो चुनाव लड़ा। अगर कलाकार ही ना तो बहुत सारे राम लीलाएं होती है नुक्कड़ नुक्कड़ पे, किसी भी कलाकार को पकड़ लेते हैं। बॉम्बे जाने की क्या जरूरत, मिला नहीं कोई, पूरी राम मिला नहीं, कोई मिला ही नहीं, पूरी चाहे उनके बारे में भी कुछ कह रहे थे आप, उनके कोई फिल्म बता रहे थे। मुझे तो आप भी लोगों ने बताया किसी ने कि उनकी बिस्तर आई है, मैं पिक्चर नहीं देखता, कोई बिस्तर बिस्तर आई होगी पता ना कैसी मूवी, आई डोंट नो अबाउट दैट। लेकिन आप में से किसी भाई ने बताया, जाके देखो फिर बताओ क्या है, क्या नाम है। नहीं मैडम, मैं मूवी देखता नहीं, मेरे पास टाइम ही नहीं इतना। बसपा पिछली बार सेकंड राउंड पार्टी नहीं है, इस बार कहाँ देख रहे हैं बसपा को? ना बसपा पहले सेकंड पार्टी थी, ना आज है। अगर पिछली बार भी हराया गया, पिछली बार भी हराया, जैसे हराया, और एक बसपा नहीं हराई, 30 सीटें ऐसी हैं जो हराई गई थी, जिनके एवरेज वोट का जो रेशो है ना वो 5-10,000 वोटिंग है। बहन जी को तो दिखाई नहीं दे रही है चुनाव रैली करती हुई? बहन जी खूब दिखाई दे रही है, हाहाकार मची पड़ी है दिल्ली तक। 23 अप्रैल में इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट .tv। नमस्कार।